हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू इलेक्ट्रो न्यूट्रो। और आज हम लोग विद्युत अभिधारणा का पार्ट वन पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे की सीरीज भी आएगी और हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल्स और से रिलेटेड और एडवांस इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। तो आइए सबसे पहले पार्ट वन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या विद्युत के बारे में क्या बेसिक जानकारी हमको मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पता चल रहा है, उस पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि विद्युत जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो आप देखते होंगे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे आप टीवी भी चलाते हैं, फ्रिज भी चलाते हैं और इसके साथ ही साथ आप ठंडी का समय चल रहा है तो पानी भी गर्म करते हैं और खाना भी बनाते हैं इंडक्शन वगैरह पे, इंडक्शन चूल्हे वगैरह पे। तो आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसको आप विभिन्न रूप से ऊर्जा का रूप परिवर्तित करके यूज कर रहे हैं। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो ये बताता है कि जितनी भी ऊर्जा आपकी सोर्स से आ रही है वो बराबर होती है जितनी भी ऊर्जा आपकी रूपांतरित हो रही है। इसका मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में हम बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जिससे वैसे रासायनिक ऊर्जा का मतलब हो गया, जैसे बैटरी वगैरह चार्ज करना है तो बैटरी वगैरह आप चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उष्मीय ऊर्जा यानी हीटर वगैरह भी आप जला सकते हैं। और अगर चुंबकीय ऊर्जा यानी स्पीकर वगैरह अगर आपको बजाना है तो स्पीकर वगैरह भी आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग गाने वगैरह सुनते हैं होम थिएटर वगैरह में, उसमें आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत और चुंबकीय और वैद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसे अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश क्या है कि विद्युत आवेश एक एक तरीके का एक किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने चारों ओर किसी तरीके का एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो विद्युत क्षेत्र होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इन क्षेत्रों को उत्पन्न करके जो भी प्रभाव दूसरे पदार्थ पे हम लोग डालते हैं किसी पदार्थ के गुण की वजह से, वो आपका विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो सकती है। तो किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वो धन आवेशित हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हैं या फिर उसको छोड़कर जा रहे हैं तो वो धन आवेशित होता जाएगा, और अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती जा रही है तो वो ऋणावेशित होता जाएगा। ठीक है, विद्युत की खोज किसने की थी? विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। कैसे की थी? घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी। इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, सातवां पॉइंट आपको क्या बताता है? इस प्रकार के विद्युत का कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे स्थैतिक विद्युत का नाम दिया जाता है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और ये एक चल विद्युत नहीं है, इस वजह से इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। आठवां पॉइंट आपको क्या बताता है? 19वीं शताब्दी जब चालू हुई तो 19वीं शताब्दी में एक बोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया कराई और चलित विद्युत को उत्पन्न किया जो कि आपके घर में आती है। ये घर में आपकी कैसी आती है? इंडस्ट्री वगैरह में ये चलित विद्युत आती है, जिसे चालक तार होते हैं, कंडक्टर वगैरह तार वगैरह, इसमें विद्युत को हम लोग आसानी से बहा सकते हैं, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसे विद्युत को हम लोग किस विद्युत के नाम से जानते हैं? चल विद्युत के नाम से जानते हैं। इसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नौवां पॉइंट आपको क्या होता है? इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करने से भी चल विद्युत का उत्पादन किया। इसको फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है कि या कोई भी चालक है उसके चारों अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर चलित रूप से जा रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी चालक आ जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब हो गया कि उसमें आप अगर उस चालक को आप उसके परिपथ को पूर्ण कर दें तो उसमें क्या है, उसमें विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, तो विद्युत धारा भी बहने लगेगी। जैसे आपका ट्रांसफार्मर वगैरह है, ये ट्रांसफार्मर वगैरह कैसे काम करता है, यही आपके एक स्थिर चालक के चारों ओर जो है वो गतिज चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है। तो इसकी वजह से आप क्या ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, या फिर जो एसी जनरेटर होते हैं जैसे सिंक्रोनस जनरेटर वगैरह है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो पावर प्लांट वगैरह में जनरेटर लगे होते हैं उसमें भी क्या है, किस तरीके से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसमें भी आपके किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में आपका कोई चालक को गतिमान किया जाता है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका कट हो और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो।
तो यहाँ इसको किसने किया था, फैराडे ने कहा था, इसलिए इसका नाम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहा जाता है। दसवां पॉइंट क्या है आपका, चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आपका जो परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर, अगर कोई भी चालक है उसमें अगर आवेश प्रवाह की दर हो रही है यानी dQ/dt, इसका फार्मूला अगर हम लोग लिखें आवेश प्रवाह की दर को, यानी कोई भी आवेश है वो समय की दर से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो आप या फिर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है समय के साथ, तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग विद्युत धारा को मान के चलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, अगले पार्ट टू में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और आगे नए वीडियोज मिलें, और ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।